हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा क्लास है मैथमेटिक्स क्लास 11th, बोथ मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी। मैथमेटिक्स को हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट किया, उसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ने मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूफ करना आपको बताया और बहुत से रिलेशन हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को सिद्ध किया। आज का हमारा जो लेक्चर है कम्प्लीटली बेस्ड है इसके प्लस एंगल पर, मतलब साइन से लेके कोसेक तक के जो चारों चतुर्थांश में, फोर क्वाड्रेंट्स में इसके जो एंगल्स होते हैं उसके लिए हमको क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें बहुत से फार्मूले हैं, पूरे फार्मूले हम लर्न नहीं कर सकते, 54 फार्मूला है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इनको सबसे पहले हम याद करने का टेक्निक अपन सीखते हैं और याद करने के टेक्निक के बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। और ये है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फार्मूला, सबसे पहले हम इसमें फार्मूला पर ही बात करें। और ये जो फार्मूला है इसको आप काउंट करेंगे तो ये 54 फार्मूला है। गिनती सुन के बहुत अजीब लगता है, 54 फार्मूला हम कैसे याद करेंगे। 54 फार्मूला ऐसे हमको रटना नहीं है, इसको रटा भी नहीं जा सकता, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 54 हैं कौन, मैं यहाँ पर आपको एक बार लिस्ट बता दूँ सामान्य से आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा, प्लस माइनस के दो तो ये आपको 2 हो गए। और इसी तरह से 2 हो जाएंगे कास के, फिर 2 हो जाएंगे टेन के, फिर 2 हो जाएंगे सेक कोसेक करके पूरे, तो कितने हो जाएंगे 12। तो ये सब मिला के कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे साइन से लेके कोसेक तक, क्योंकि हर के दो दो, प्लस वाले और माइनस वाले। ये 90 वाला केस हो गया, ये 90 वाला हो गया। अब हम देखते हैं इसके, ये 90 यहाँ पर लिख देता हूँ याद रखने के लिए। उसके बाद 180 डिग्री वाला, तो 180 डिग्री वाले में साइन 180 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, इसके भी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इसके बाद फिर 270 वाले, 270 वाले में साइन 270 प्लस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा, इसके भी 12 हो जाएंगे। इसी तरह से 360 वाले कितने हो जाएंगे, ये भी मैं साइन बस लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना, 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा, मैं केवल आइडेंटिटी आपको बता रहा हूँ। और माइनस थीटा वाले, तो माइनस थीटा वाले साइन माइनस थीटा से लेके पूरे कोसेक तक, ये हो जाएंगे 6। ये आपको सबको ऐड कर लीजिए, ये 54 फार्मूला हो जाएगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबके साइन से लेके कोसेक तक के, ठीक है, साइन से लेके कोसेक तक के 12 फार्मूला 90 वाले, फिर साइन से लेके कोसेक तक के 180 वाले फार्मूला 12, फिर 270 वाले ये भी 12 और 360 वाले ये भी 12 और सभी माइनस एंगल ये 6, ये 6 है ना, और हो गया 54। तो ये 54 फार्मूला पर बेस्ड है हमारा अगला एक्सरसाइज। अब सोचो ये पूरे 54 फार्मूलों के यदि हम रटें तो पॉसिबल नहीं है, इनको याद करना मुश्किल है, याद हो भी जाए तो फिर भूल जाएंगे, और ऐसे भी रटने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये फार्मूले पर मैं बात करूंगा, तो ये तो मैंने आपको काउंटिंग के लिए बता दिया। अब इसको याद करने का मैं कुछ आपको ट्रिक्स टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो मैं इरेज कर देता हूँ, बस इसको आपको काउंटिंग के लिए बताया था। अब ये 54 फार्मूला को मैं आपको कैसे याद करेंगे, ये टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले ये 54 फार्मूला याद करने के लिए हमको फोर क्वाड्रेंट पर बात करना है, तो हम चार चतुर्थांश बना लेते हैं, फोर क्वाड्रेंट। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको पढ़ाने के पहले आपको बता दूं, चूंकि 11th क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, CBSE वाले 10th में पढ़ते हैं और मेरे ख्याल CGSE और MP बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से
नाइन्थ से पढ़ते हैं। अलग अलग स्टेट बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग क्लास में इंट्रोडक्शन है। जो भी हो, आपने नाइन्थ टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा है, उसमें साइन से लेकर कोसेक तक के जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है उसको 0 से 90 तक आपको याद रहना चाहिए। उस पर मैं यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत छोटी चीज़ है, सबको पता होगा। नहीं होगा तो आप वहाँ से रिवाइज कर लेना। 0 से 90 तक, 90 से आगे 180, 270, 360 तक, ये जो मैं फार्मूला भी आपको सिखा रहा हूँ उसके हेल्प से हम उसको बना लेंगे। लेकिन 0 से 90 तक आप सबको याद रहना चाहिए और होगा ही, आपको नेचुरली आप होगा ही 11th क्लास में। तो ये जो चार चतुर्थांश होते हैं, ये चार चतुर्थांश को हम इस प्रकार से फोर पार्ट में, क्वाड्रेंट चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, फोर पार्ट में इसको बांट के अपन चलते हैं। ये 0 डिग्री का लाइन होता है, इसके बाद ये 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और अगेन ये होता है 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना, इसी पर बेस्ड है आगे का आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 90 से 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 90 से 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और 270 से 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इस प्रकार से फोर क्वाड्रेंट में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर पहला रूल जो हम बनाएंगे वो साइन के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मैं इधर रूल्स को लिखूंगा और यहाँ पर आपको उसको समझाते जाऊंगा। देखिए, पहले आपको बता दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन से लेकर कोसेक तक सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल। ये एक ऐसा फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि इसको आप यदि इस ट्रिक्स टेक्निक को आप समझ गए तो आप बिल्कुल फिंगर टिप पर एनी टाइम बता सकते हैं 54 फार्मूला। कभी जरूरत पड़े आप तुरंत माइक्रोसेकंड में बता सकते हैं, बस कोई पूछा और आप बता दिए। बस तो ध्यान से समझना है, ये आल पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन और साइन का साथी है कोसेक, ये तो इसका सगा भाई है समझ लो, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होंगे। साइन और कोसेक को छोड़ के कास, टेन, सेक ये सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और काट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कास और सेक, क्लियर। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो पहला रूल है यहां पर, जो रूल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, 3 रूल से सब याद हो जाएगा। पहला रूल है आल साइन टेन कास प्लस, अदर्स आर माइनस। पहला रूल मैंने क्या बताया, मतलब आल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कई लोग कई तरीके से ट्रिक्स से आल स्टूडेंट टेक कॉफी करके बुक में दिया रहता है, फिर आल स्टूडेंट को फिर साइन बनाओ, टेक को फिर टेन बनाओ, कॉफी को फिर कास बनाओ। इतना बकवास में जाने का क्या जरूरत है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, टेक स्टूडेंट काफी क्या, सीधा आप ऐसा याद रखो आल साइन टेन कास प्लस, उससे ज़्यादा आसान है ऐसे याद रखना, ठीक है। तो पहला रूल मैंने बताया आल फर्स्ट में, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कास प्लस, ये तीनों प्लस होंगे और अदर्स आर माइनस, बाकी सब उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैसे हम स्लोगन की तरह याद रखते हैं उसको, आल साइन टेन कास प्लस अदर्स आर माइनस, हिंदी मीडियम भी ऐसे याद रखो। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट, ये पहला रूल जो हमको साइन डिसाइड करेगा, क्लियर। तो पहला रूल साइन डिसाइड करेगा कि पहले रूल से हमको ये पता चलेगा कि कौन कहाँ पर प्लस है, कौन कहाँ पर माइनस है। रूल नंबर सेकंड, इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ 90 एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान रखना साइन जो होगा वह कास में कन्वर्ट हो जाएगा और कास साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 और 270 का केस मतलब जिस फार्मूला में 90 यूज हो रहा है या 270 यूज हो रहा है,
तो 90 और 270 के केस में, इन द केस ऑफ 90 एंड 270, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, ये आपस में बदल जाएगा। क्लियर, ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल इज इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसका जब केस होगा तो इस केस में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किस केस में? 180 और 360। इन द केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज, दैट मीन साइन साइन रहेगा, कास कास रहेगा, टेन टेन रहेगा, सब अपने जैसे रहेंगे, जैसे वो हैं। क्लियर। एंड फोर्थ रूल इज ऑल नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव एंगल हैं, एंगल्स आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थांश में होगा। मतलब जितने भी नेगेटिव एंगल होंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑल नेगेटिव एंगल्स आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब यदि एंगल के साथ में नेगेटिव लगा, चाहे उसका वैल्यू कितना भी हो, साइन माइनस 2000 रहेगा तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इनका रिजर्वेशन है, इनका जगह रिजर्व है कि यदि वो नेगेटिव एंगल हैं तो वो यहाँ रहेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। नेगेटिव एंगल ना, साइन और कॉस के बारे में बात, सेक के बारे में बात नहीं हो रहा है, वो तो उसके बारे में अपन, ये इतने हैं और इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फोर रूल है। यदि ये फोर रूल आपको याद हो गए तो आपको यकीन नहीं है कि आपको 54 फार्मूला याद हो चुका है, आप सबको याद हो चुका होगा, बस आप प्रैक्टिस करोगे और कर लोगे। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके छोटा छोटा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस रूल के बेस पर। देखो, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसको मैं आपको बार बार स्लाइड करके रूल्स को रिपीट करने के लिए लेके आऊँगा आपके सामने, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी अटेंडम अपन कुछ भी सोच लेते हैं, सपोज छोटा छोटा एंगल से अपन स्टार्ट करें, कि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सपोज साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब 90 से कम क्वाड्रेंट को भी मैं यहाँ पर आपको, अब क्वाड्रेंट को तो खैर आपको दिमाग में बैठ गया होगा, देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस होगा मतलब 90 से कम, तो हम किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। 90 प्लस बोलने से सेकंड में आएंगे, एक बार मैं यहीं पर समझा दूं सबको, 180 माइनस बोलूंगा तो पीछे सेकंड में आएंगे, 180 प्लस बोलूंगा तो आगे जाएंगे, 270 माइनस बोलूंगा तो थर्ड में जाएंगे, 270 प्लस बोलूंगा तो आगे जाएंगे, 360 माइनस बोलूंगा तो पीछे, और 360 प्लस तो आगे, इतना आप ध्यान में रखना। तो आपको बॉर्डर लाइन, वैसे तो ये मैप इस मैथ्स के स्टूडेंट के दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए कि फोर क्वाड्रेंट है, यहाँ यहाँ पर है, प्लस में उधर माइनस में उधर जाऊँगा, तो आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद जो रूल है वो आपके सामने है, ठीक है। तो सपोज ये साइन 90 माइनस थीटा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, तो पहले डिटरमाइन करना है आपको साइन, सबसे पहले आप डिटरमाइन करना कि साइन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस ही हो गया। उसके बाद आप देखो, अभी मैंने रूल में बताया कि यहां पर ये इन द केस ऑफ 90 एंड 270 साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आप बिल्कुल तुरंत बता सकोगे। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। तो नेचुरली यहां पर हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। सपोज हमको जानना है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में आल साइन, साइन वहां प्लस होता है, तो साइन प्लस होता है तो प्लस ही होगा, और 90 के केस में साइन का कॉस, तो यह भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा, ये होता है। क्लियर। अब हम जानना चाहते हैं सपोज कॉस 90 प्लस थीटा, इसको हम जानना चाहते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए,
सेकंड में क्या होता है, कास माइनस होता है, क्योंकि सेकंड में कौन प्लस है, सेकंड में साइन प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो यहां पर क्या है, कास है, इसको देखना है ना, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट को नहीं देखना। तो साइन यहां पर क्या होगा, ये कास क्या होगा, माइनस होगा, तो यहां पर हो गया माइनस, और 90 के केस में साइन होता है तो साइन थीटा हो गया, तो कास 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। ओके, अब कुछ भी कहीं से भी सोचो, ठीक है, सपोज कुछ भी अपन लेते हैं, किसी को जानना है टेन 270 प्लस थीटा, सपोज ऐसा अपन कुछ भी लेते हैं, हम देखो टेन 270 प्लस थीटा, 270 के आगे जाओगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तो 270 के आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, माइनस। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लेना कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस हो गया, फिर हमको मालूम है कि 270 के केस में क्या होता है, साइन का कास। अच्छा, इस रूल को मैं पूरा लिखा नहीं, पूरा लिख देना था, चलो ठीक है, बाकी समझ जाओगे करके नहीं लिखा, पूरा लिख देता हूं मैं, साइन कास बन जाएगा, ठीक है, टेन विल बी कन्वर्टेड इंटू कॉट, ये कॉट बन जाएगा, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कोसेक में, तीनों को लिखना था मुझे, चलो ठीक, ये हो गया। तो जैसे साइन का कास, कास का साइन, वैसे टेन का कॉट होता है, सेक का कोसेक, तो टेन का कॉट, तो क्या हो गया यहां पर, कॉट 54, आपको याद है, रटना नहीं है कभी इसको, आपको याद हो चुका है ये फार्मूला, आपको भी पता नहीं चला है, लेकिन आपको यदि रूल याद हो चुका है तो फार्मूला भी याद हो चुका है। और कुछ भी देखो, सपोज हम जानना चाहते हैं sec 270 माइनस थीटा जानना चाहते हैं, मान लो, तो 270 माइनस थीटा मतलब 270 से पीछे, माने थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 बस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या है sec, तो माइनस हो जाएगा ये, और 270 के केस में sec क्या बन जाता है, cosec, तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कुछ 180 वाला देख लेते हैं, सपोज हम जानना चाहते हैं काट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से पहले, 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से पहले सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माने अपन पीछे आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, साइन, बाकी माइनस होते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और 180 के केस में नो चेंज, इन द केस ऑफ 180 एंड 360 नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस क्या होगा, ये माइनस कॉट थीटा होगा, क्लियर। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को बता सकते हैं, कुछ माइनस बता देता हूं आपको, माइनस एंगल, सपोज हमको बताना है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, मैं बोला आल निगेटिव एंगल, आल निगेटिव एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो निगेटिव एंगल कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में आपको पता है कास बस प्लस होता है, ये तो क्या है साइन है, तो क्या रहेगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्लियर। सपोज हम लिखना चाहें कास माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, देखो मुझे खुद भी स्वयं 54 फार्मूला कभी याद नहीं है, ना मैंने कभी याद किया, लेकिन आप कुछ भी पूछोगे तो इमीडिएट मैं ये रूल्स लगा के उसको बता दूंगा, आपको भी ऐसा ही करना है, अदरवाइज आप ये फार्मूला को रटोगे तो बहुत दिक्कत होगा। कास माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कास प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास थीटा। इस तरह से आप, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनएकेडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स, जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा, जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में, और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा, और सबसे अच्छी बात, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका
सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके थैंक यू। इस तरह से आप किसी भी एंगल को मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे और आपको एक प्रैक्टिस करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये काम यदि आपने इसको सीखने के बाद कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे। वो तरीका है कि आप पूरे 54 फार्मूला को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो। 90 के 12, 180 के 12 जो शुरू मैंने काउंटिंग कराया, 270 का, 360 का, और इसी तरह से एक 360 का बता दूं क्या? देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो तो फोर्थ में चले जाता है, बहुत आसान है वो। सपोज हमको जानना है सेक 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा मतलब 360 से आगे आप यहाँ पर देख रहे हो 360 क्या होता है, ये 360 होता है। 360 से आगे मतलब कहाँ चले जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, क्लियर? तो 360 से आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हम यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा, और 360 के केस में नो चेंज, तो क्या रहेगा ये सेक थीटा। ये तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं कि पूरे साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ऐसा करके सबको लिख लो लेफ्ट हैंड साइड को, और इक्वल इसको रूल से बना के देखो, रूल से बना के देखो। 54 को रफ कॉपी में एक साइड लिख लो और उसको रूल्स को अप्लाई कर करके प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अपने बुक से उसको आप चेक कर लो। सब सही है तो आप सीख गए हो, कहीं गलत आया तो आप उसको रीचेक, तो आप क्या करो उसको चेक कर लो कि मिस्टेक क्यों हुआ। ओके, इस तरीके से आप 54 फार्मूला लर्न कर चुके हो। रूल्स को बस आप ध्यान रखना, ये रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो मैंने आपको बताया, यह सबको मैं एक साथ आपको कंबाइन करके यहाँ पर दिखा दूँ, ये जो मैंने कुछ प्रैक्टिस कराया, क्लियर? ये यही तो फैसिलिटी है ना इस बोर्ड में, इसलिए जितना किया गया है आप लोग के लिए है ना, ठीक है? और बड़ा करें, ओके। ये फार्मूला, इसके रूल्स, ये कुछ प्रैक्टिस जो मैंने कराया, ये ठीक है। ओके, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद फिर आप इसको एप्लीकेशन में लाइए। वैसे एप्लीकेशन में जब आता है तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाता है, फिर भी आपको इसको पहले से करना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। ओके, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप इस पर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ आपको। ये देखो पहले क्या कि 360 वाला मीटर कैसा होता है, जैसे कहीं पर भी लिखा है साइन 360 प्लस थीटा, तो आपको मालूम है अभी मैंने बताया कि 360 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमेशा, और प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं और 360 में कोई चेंज नहीं होता, तो बन जाता है साइन थीटा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एंगल 360 से ग्रेटर होता है, ध्यान से सुना, जब एंगल 360 से ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ जाएगा? एंगल 360 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका, ठीक है? ये फोर क्वाड्रेंट हैं और सपोज हम यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ, 360 हुआ, 360 में आगे ख़त्म हो गया। लेकिन मान लो कहीं पर एंगल 360 से ज़्यादा है, ठीक है? सपोज अपने पास कोई एंगल है, वो है 405 डिग्री, 405 अंश है। अब आप सोचोगे 360 से ज़्यादा हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, इसका जगह तो ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, 360 से आगे मतलब वो अगेन एंड अगेन वही क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है? क्योंकि फोर क्वाड्रेंट से ज़्यादा तो होता ही नहीं है, 360 में ख़त्म हो जाता है। लेकिन एंगल आपको हज़ारों में मिलते हैं, लाखों में एंगल मिल सकते हैं, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप उसी में क्या करोगे, अगेन एंड अगेन रिपीट करोगे। तो 405 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ, ऐसा 360 प्लस 45। छोटा नंबर है तो मैं सीधा उसको, मैं तो खुद बनाया था 405 दोनों को ऐड करके, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर मिले, इतना हज़ार इतना बोल दो तो फिर मेरे को सोचना पड़ जाएगा। तो उसको तरीका ये है कि उसको क्या करो, 360 से डिवाइड कर दो। जैसे यहीं पर देखो, मान लो 405, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करना, बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करना ही मैथ्स और फिजिक्स में कमांड का तरीका है।
कभी कभी हम लोग चीज़ों को इतना आसान और ऐसे समझ लेते हैं, बाद में वो हमको परेशान करता है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को बहुत छोटे लेवल पर डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। तो 360 में इसको मैं यदि डिवाइड किया 360, तो 360 वन जा, ठीक है, ये हो गया 36, ये हो गया 5 और ये 4। ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आपका आएगा वही इसका प्लस एंगल बनेगा। रिमाइंडर मतलब 360 प्लस 45, लेकिन मान लो उससे भी ज़्यादा रहता, वो मान लो उससे भी ज़्यादा रहता, ठीक है। जैसे मान लो ये रहता 765 रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। 765 है, 405 को तो 360 पर 45 फर्स्ट से लिख दिया। मान लो 765 आपके पास रहता, तब आप क्या करते हैं, वही डिवाइड करते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 765, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड किया किसे, 360 से, तो 2 जा कितना हो जाएगा 0 और 12 और ये 720। अब इसको माइनस किया तो 5, 4, ये कैंसिल आउट, 45 आया है। जैसे यहाँ पर एक बार डिवाइड हुआ 45 आया, तो 360 प्लस 45 लिखा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ। क्लियर, आ रही बात समझ में आपको। इसको मैंने लिखा 360 प्लस 45, इसको लिखा 2 इंटू 360 प्लस 45, मतलब वही होगा। अब यहाँ पर आप बात को देखो, जैसे मान लो मैं इस एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये हो गया 360 और प्लस 45। ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये जो एंगल देख रहे हो, ये 45 भी है, 45 भी है ये, और ये 405 भी है ये। एक बार पहुँचे तो 45, एक राउंड मार के पहुँचे तो 405। और मान लो मेरे कोई बोले कि सर आप 765 को रिप्रेजेंट करो, तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहीं घूमूंगा, ये दो राउंड मारा मैं 720 और फिर यहीं आऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस तरह के कॉन्सेप्ट में दिक्कत महसूस करते हैं, जिनके कारण है बहुत छोटी बात, लेकिन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये परेशान करता है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से कंक्लूजन को सुनना। यदि एंगल 45, 405 और इसके बाद कौन सा आ गया यहाँ पर, ये 765, सब वहीं आ रहे हैं, सब इसी लाइन में आ रहे हैं, तो क्या हुआ ये, जब अगेन एंड अगेन हम राउंड मार के वहाँ पर पहुँचते हैं, तो फाइनली वो एंगल 45 ही है। भले ही वैल्यू आप 405 कह रहे हो, लेकिन आप वहीं रहे हो। जैसे एक आदमी को सर्कल में गोल गोल घूमने के लिए बोला जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, आपको मालूम है, जहाँ घूम के फिर वहीं आ जाता है, वैसे 45 के ये सब साथ ही एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसके, जो वहीं पर बार बार आ रहे हैं। तो इसलिए 360 का बिहेवियर कैसा है कि ये जो 360 साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हमने यहाँ पर लिखा है, ये मैं फार्मूला फॉर्म यहाँ पर लिखा हूँ। अब यदि हम इसको लिख दें साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा, तो इक्वल टू भी क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये साइन थीटा है। अब एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर 1 इंटू 360 था, एक बार घूमा, यहाँ पर 2 इंटू 360 था, दो बार घूमा, फिर 3 इंटू 360 कर दूँ, तीन बार घूमेगा, 4 इंटू 360 कर दूँ, चार बार घूमेगा, N इंटू 360 कर दूँ, N बार घूमेगा, पहुँचेगा वहीं। आगे आपको बात समझ में, इस तरह से 360 को हम जितने बार भी घुमाएं वहीं पहुँचता है। फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि 360 का कोई इंटीजर, ये इंटीजर है ध्यान रखना, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ये पूर्णांक है। ऐसा नहीं सर आप तो फार्मूला बताए थे एन इंटू 360 और एन के जगह में आपने 1/2 रख दिया, तो मुश्किल हो जाएगा। इंटीजर होना चाहिए, देखो मैंने क्या रखा, 1, 2, 3, 4, तो इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर, तो साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यदि हमको बड़ा एंगल मिला, मैंने क्या प्रोसेस समझाया, अभी इसका मैं एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। यदि हमको 360 से बड़ा एंगल मिला, तो 360 में उसको डिवाइड करो,
जितना उसका मल्टीपल बनता है उसको बनाओ, उसके रिमाइंडर को शेष फल को प्लस कर दो और वह इस तरह से बिहेव करेगा, साइन एन इंटू थ्री सी सी प्लस थीटा इज साइन थीटा। वैसी कास्ट के लिए, वैसी टेन के लिए जो जैसा होता है, तो आपको तो पहले ही पता है 360 में नो चेंज, 360 में नो चेंज, और क्वाड्रेंट फर्स्ट तो ऑल पॉजिटिव, तो कुछ चेंज होना नहीं है। साइन में साइन रहेगा, कास में कास रहेगा, टेन में टेन रहेगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका, और इसको आपको अच्छे से करना है। तो ये 54 फार्मूला, और ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, मेरे सब्जेक्ट में आप दो सब्जेक्ट पढ़ते हो, मेरे सेमेस और फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन पर फोकस होते हैं, क्वेश्चन सेकेंडरी होता है, प्राइमरी इज कॉन्सेप्ट। यदि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझे हैं, तो आप 50 क्वेश्चन के लिए कोई फायदा नहीं, बाद में आप उसको भूल जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग कर लो कि क्वेश्चन आप कम भी किए हो तो भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस सिर्फ हमारे स्पीड को, इफिशियंसी को, और हमको एररलेस बनाता है, हमारे मिस्टेक्स कम होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट हमको कम्प्लीटली किसी भी क्वेश्चन को बताने के लिए, बनाने के लिए तैयार करता है, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस पर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया, सपोज इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। साइन माइनस 14850, इसका सपोज हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको ठीक समझ में आएगा, साइन माइनस 1450 डिग्री, यही है ना, 1485, चलो ठीक है, खैर डिवाइड होना भी प्रॉपर जरूरी है ना, 1485। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान कितना होगा, ध्यान से समझना। तो पहला समस्या तो यह है कि माइनस को भगाओ यहां से, तो मैंने बोला था कि आल निगेटिव, देखो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आल निगेटिव एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आल साइन टेन कॉस, कॉस प्लस होता है, बाकी माइनस होते हैं, तो पहले तो हो जाएगा ये माइनस, सामने कर दो, और साइन 1485 डिग्री, क्लियर। एक कौन से फार्मूला से हुआ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का रोल कौन कर रहा है, थीटा के रोल में है ये यहाँ पर थीटा है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इतना हो गया। अब दूसरी समस्या, यह तो 360 से बड़ा है, जो मैंने भी आपको बताया, तो 360 से बड़ा एंगल है, तो अब क्या करना है, उसमें 360 को डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं 360 से इसको, ठीक है, 1485 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है, तो 4 times होगा, 4 times डिवाइड होगा, तो 4 times डायरेक्ट अपन डिवाइड करें इसे, 40, इसके बाद 6 4 = 24, और ये 12 + 2 कितना 14 होगा, माइनस करो 5, ये 45 आया, कैंसल आउट हो गया, क्लियर। अब अभी जो टेक्निक बताया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दैट इक्वल माइनस साइन, इसको हम कितने टाइम्स तक गया, 4 times गया, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 360 और प्लस रिमाइंडर है 45, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, 4 × 360 प्लस 45 डिग्री, दैट इक्वल, अभी आपको बताया कि ये जो पूरा वैल्यू है 360 की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि 4 times 360 मतलब 4 times घूम के वहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स 360 है, तो साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो हो गया माइनस, और साइन ये 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 45 डिग्री हो गया, और दैट इक्वल ये हो जाएगा माइनस, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये हो गया 1/√2, दिस इज फाइनल आंसर। देखो जो देख के आपको अजीब लग रहा था कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 1485 डिग्री माइनस, वो ये है एक्चुअल में, ये है एक्चुअल में, वो इतना नहीं
माइनस साइन 45 है, क्लियर। तो ये आप ध्यान रखना, ओके। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान है, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे सब बनेगा। एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, बाकी इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला प्रैक्टिस आपको 45 क्वेश्चन का करना है, फार्मूला करना है, ठीक है। सपोज कास 390 है। अब तो सब ऐसे ही, इतना बताने के बाद तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका और क्या बताऊं, सब आप ऐसे ही बना लोगे। इसमें जैसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, कास 390, कास 390, तो इसमें डिवाइड करने का क्या जरूरत है, आप तो ओरल बना लोगे इसको। कास 360 प्लस 30, कास 360 प्लस थीटा, 360 में नो चेंज, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना हो गया, ये हो गया कास 30 डिग्री, और इक्वल टू हो गया कास 30 मतलब 1/cos30 √3/2, है ना। ये सब वैल्यू आप याद कर लेना भाई, कास 30 इज √3/2, ये आंसर हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, कास 30 √3/2 होता है, ओके। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था कि 90 तक बस याद करना, उसके आगे मत याद करना, उसको बना लेते हैं। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, है ना। जनरली बहुत से टीचर्स बोलते हैं 360 तक रट डालो, मैं कभी नहीं बोलता, मुझे खुद याद नहीं रहते 90 से आगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मुझे खुद याद नहीं होते। मैं चीज़ों को याद करने में ज़्यादा भरोसा भी नहीं रखता, जहाँ जरूरी वहीं बस याद करता हूँ मैं। देखो अब सपोज इवन कोई मेरे को कभी पूछता है कि सर साइन 180 डिग्री कितना हो गया, मुझे ज़रूरत पड़ गया, तो बहुत आसान है, इसमें याद रहना चाहिए। फिर भी मैं उसको बनाने का कोशिश करता हूँ और बना के बताता हूँ, क्यों 90 तक मुझे याद है बस। और 90 तक इसको थोड़ी बताना पड़ेगा आपको, कि अभी बताना पड़ेगा 0, 30, 45, 60। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया इस पर, साइन 90, साइन 0, 0, 1/2, 1/√2। वैसे इस क्लास में सब बताने में भी खराब लगता है, लेकिन चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये 1। और कास के लिए लिखें तो उधर से लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। उल्टा लिख दो, जो इधर से लिखे हो उसको उधर से लिख दो, ठीक। अब साइन 180 मान लो मेरे को नहीं याद है, मैं 90 तक बस याद करने में रुचि रखता हूँ, आगे मैं याद नहीं करता, और लेकिन मुझे जानना है साइन 180, तो यही 54 फार्मूला मेरे को वहाँ पर काम आएगा। कैसे करूँगा, देखो इसको लिख दूंगा साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 लिख दिया। अब ये मेरे लिए क्या है, यहाँ पर थीटा, सेकंड वाला पार्ट थीटा है, ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस है तो सेकंड में साइन प्लस होता है, और 90 के केस में साइन का कास होता है, तो नेचुरली क्या हो गया, ये हो गया कास थीटा माने कास 90, और कास 90 कितना होता है 0। तो देखो साइन 180 मेरे को याद नहीं था, लेकिन साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो उसको देखो आप याद करो, 270 360 तक बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहे तो तेज़ी से वर्क होगा, इतना नहीं सोचना पड़ेगा। इसका 54 फार्मूला में अच्छा कमांड हो, तेज़ी से ऐसा कर भी लेता है वो कर भी लेता है, ठीक है। और कहीं पर भी जैसे हमको मान लो ज़रूरत है, कहीं पर मेरे को ज़रूरत है कि मैं चाहूँ कास 270 डिग्री का वैल्यू मेरे कहीं पर ज़रूरत है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको कर लूँगा मैं कास 180 प्लस 90, बड़े से बड़े वैल्यू में तोड़ो इसको, कास 180 प्लस 90 माइनस 270। अब कास 180 के केस में नो चेंज, तो कास ही रहेगा, और ये थीटा है, ये यहाँ पर थीटा है, तो कास कितना हो गया 90, और 180 प्लस थीटा आप चिन्ह डिसाइड कर लो, पहले करो चाहे बाद में करो, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो थर्ड में गए, तो थर्ड में तो 10 प्लस होता है, कास तो माइनस होता है, तो माइनस कास 90 हो गया, और कास 90 क्या होता है 0, ये तो 0 हो गया, तो कास 270 भी क्या होता है 0 होता है, 0 माइनस नहीं होता, ध्यान रखना माइनस 0 नहीं लिख देना, ठीक है। 0 नेवर कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव ना नेगेटिव ना पॉजिटिव हो, 0 ही तो बताता है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। 0 बोलता है मेरे बाएं तरफ रहो उन लोग नेगेटिव रहना, मेरे दाएं तरफ रहो पॉजिटिव रहना, तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, 0 इज न्यूट्रल कर सकते हो, है ना। तो कास 90 0, तो ये 0 हो गया, ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी एंगल को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको एक और तरीके से भी निकाल। वैसे 54 फार्मूला में कमांड हो गया, उसके बाद तो ये खेल है समझ लो। इसको 360 माइनस 90 कर दिया, वो भी सही है, या तो इसको 180 प्लस 90 करो, 360 माइनस 90 करो। 360 माइनस 90 मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, 360 से नीचे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, प्लस होता है।
क्लियर। देखो यहाँ पर डबल डबल सेंस आ जा रहे हैं, 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में गए अपन, थर्ड में गए 180, हाँ थर्ड में गए। 360 माइनस 90 में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये प्लस होता है और 360 में नो चेंज, तो क्या हो गया है कास 90 और ये जीरो हो गया, ऐसा भी बना सकते हो। क्लियर। तो ये है इसके एंगल फाइंड करने के तरीके। तो आज के क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से आप दिमाग में बिठाइए। नेक्स्ट क्लास में मैं ओनली इसके क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे आप मेरे मैथमेटिक्स पढ़ाने के तरीके को देख रहे हो, एक क्लास में मैं कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम प्योर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा करना इसलिए अच्छा है कि पहले आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसके क्वेश्चन का एक्सरसाइज और आप भी अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।